आपने देखा है भारत का दूसरा काशी। 3 एकड़ की जमीन पर बना है मंदिर। मंदिर के इतिहास से हर कोई है अनजान। मध्य प्रदेश के सिवनी जिले में आधे गांव का बुलंद किला आज भी वर्षों से क्षेत्र की पहचान बना हुआ है। आपको बता दें कि 18वीं सदी में बने इस किले के बीचों बीच काल भैरव का मंदिर स्थापित है, जहां के लोगों की गहरी आस्था जुड़ी है और यही वजह है कि भक्त इस मंदिर को दूसरे काशी के तौर पर जानते हैं। ऐसा कहा जाता है कि उस समय के मराठा शासक रघुजी भोसले के दीवान खड़क भारतीय गोसाई ने आधे गांव की दुर्गम पहाड़ी पर इस विशाल किले का निर्माण ईंट, पत्थर व चूना मिट्टी से करवाया था। जहां एक और किले की बाहरी दीवारें आज भी मजबूती के साथ अडिग होकर खड़ी हैं। सदियां बीत गई लेकिन इन्हें कोई नुकसान नहीं हुआ। किले में भगवान काल भैरव का प्राचीन मंदिर है, जो लोगों के लिए आस्था का केंद्र बना हुआ है। पुरातत्व विभाग द्वारा संरक्षित इस किले को देखने आज भी दूर दूर से लोग आधे गांव पहुंचते हैं। 18वीं शताब्दी में मराठा नागपुर के मराठा शासक रघुजी भोसले द्वारा उनके गुरु नर्मदा भारती द्वारा इस किले का निर्माण कराया गया था और उन्हीं के द्वारा इस किले के अंदर एक मंदिर का निर्माण कराया गया, जिसके गर्भगृह में काल भैरवनाथ स्वामी, दूधिया भैरवनाथ स्वामी, बटक भैरवनाथ स्वामी, शेषनाग, अन्नपूर्णा देवी एवं गणेश जी की सुंदर प्रतिमाएं स्थापित हैं। इस किले का उपयोग सैनिक छावनी के रूप में पुराने समय में करते चले आए होंगे। साथ ही ब्रिटिश शासन लागू होने के बाद इसका आधिपत्य ब्रिटिश शासन ने अपने हाथों में ले लिया था। वर्तमान में सिर्फ इस किले की दीवारें ही शेष हैं। जो आंतरिक किला था वो पूरी तरीके से ध्वस्त हो गया है और यह किला अपूर्णतः पुरातत्व विभाग के अंडर में। किले में विराजमान काल भैरव, नाग भैरव और बटुक भैरव का पूजन सदियों से होता है। और अगर बात की जाए भगवान भैरव के स्वरूप की, तो बनारस की तरह यहाँ पर भी काल भैरव के खड़े स्वरूप में प्राचीन प्रतिमा स्थापित है। किले की ऊंची दीवारें चारों ओर करीब 3 एकड़ में फैली हुई हैं, तो वहीं किले की बाहरी दीवार व बुर्ज को छोड़कर आंतरिक सभी संरचनाएं ध्वस्त हो चुकी हैं। इसका मुख्य द्वार पूर्व मुखी है, जबकि दूसरा दरवाजा पश्चिम की तरफ खुलता है। और ऐसा भी बताया जाता है कि किले के पिछले हिस्से में तालाब के नजदीक श्यामलता का विशाल वृक्ष है। कहा जाता है कि दुर्लभ श्यामलता के वृक्ष की पत्तियों में श्री राधा कृष्ण का नाम लिखा दिखाई देता है। वृक्ष कब और किसने लगाया, ये आज भी लोगों के लिए रहस्य की बात है। कहा जाता है कि आधे गांव के किले के इतिहास की ज्यादा जानकारी पुरातत्व विभाग के पास भी मौजूद नहीं है। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको हमारी ये जानकारी, कमेंट करके जरूर बताइए। और अगर आपको हमारी जानकारी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। साथ ही इसी तरह की और भी जानकारी प्राप्त करने के लिए जुड़े रहें कुंडली टीवी से।